पंडित जी नमस्ते नमस्ते। आओ आओ गोकुल धाम वाले, आओ आओ। गणपति का चंदा लेने आए हो क्या? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ आप गोकुल धाम के सेक्रेटरी हो ना? हाँ हाँ। ये लीजिए। क्या करूँ इसको? ये कंप्लेंट रजिस्टर है, इसी में कंप्लेंट लिख लो। वैसे भी तो केस तो आप ही लोग खुद सॉल्व कर लेते हो ना। अब साल भर में जितनी भी कंप्लेंट आए उसमें रजिस्टर कर लो और सॉल्व कर लेना, और साल भर में जितना भी केस सॉल्व कर लिया ना ईयर एंडिंग में मेरे पास ले आना, मैं उसको वेरीफाई करके ठप्पा मार के दे दूंगा। आप लोग भी खुश, हम भी खुश। देखिए देखिए इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस बार केस आपको ही सॉल्व करना है। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब बोलो। आप ही करेंगे। पक्का? 100% पक्का। अब ये इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। अगर अब आप लोगों ने केस सॉल्व किया तो सबको अंदर कर दूंगा। बोलिए अब क्या कंप्लेंट है? पांडे बेटा एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। मेरे बेटे जेठा और मैं तो उसके हाथों से कुछ गुंडे 10 करोड़ की साड़ी चुरा के भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही दिन में 10 करोड़ की 2 साड़ियां चोरी हो गई? सवेरे हीरालाल जवेरी के एग्जीबिशन से चोरी हो गई और अभी जेठालाल के पास से चोरी हो गई। पांडित जी ये 2 अलग अलग साड़ी नहीं है, एक ही साड़ी है। दरअसल जेठालाल के पास ही हीरालाल भाई की साड़ी थी। हाँ। ओ, मिस्टर आयर, थैंक यू, आप जुबान के बहुत पक्के हो। आखिर में मैंने केस सॉल्व कर ही लिया। केस बिल्कुल साफ है, हीरालाल के एग्जीबिशन से जेठालाल ने 10 करोड़ की साड़ी चुराई थी। अरे 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 नहीं नहीं पढ़ ले बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं है। चाचा जी हर बाप यही कहता है कि उसका बेटा चोर नहीं है। मार्केट में कोई भी एक ऐसा बाप ढूंढ के लाओ जो कबूल कर सके कि उसका बेटा चोर है। साहब मैं कहता हूं मेरा बेटा चोर है और वो भाग गया, इसलिए पूछताछ के लिए मुझे बुलाए। मेरे को क्या बोलता है? मैं तेरे से पूछा नहीं ना, वो पूछ रहा था उसको जवाब दे, मुझे क्यों जवाब दे रहा है? देखो पांडे बेटा, मेरे जेठिया ने हीरालाल के वहां से साड़ी चोरी नहीं की थी। हाँ। बल्कि हीरालाल ने खुद जेठिया को साड़ी दी थी। हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी दी थी? हाँ। हीरालाल ने चोरी की कंप्लेंट क्यों लिखवाई? इंस्पेक्टर साहब हीरालाल ने झूठा कंप्लेंट लिखवाया है पब्लिसिटी स्टंट के लिए। अच्छा, हीरालाल ने झूठी कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। हाँ छोड़ूंगा नहीं हीरालाल को। जेठालाल का है? वो क्यों नहीं आया? वो जेठालाल क्यों नहीं आया? कितना क्या ईगो उसमें यार, आना चाहिए ना इधर। ईगो की बात नहीं है, दरअसल जेठालाल और मेहता साहब दोनों बेहोश हैं। मेरी आंखों के सामने गुंडों ने उन्हें बेहोश कर दिया और साड़ी लूट कर टैक्सी में भाग गए। आप लोगों की बातें सुनकर मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हीरालाल कह रहा है कि उसके एग्जीबिशन से साड़ी चोरी हुई है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि जेठालाल के पास से चोरी हुई है। साड़ी कह रहे हैं आप लोग एक है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, ये केस कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक काम कीजिए बेटे साहब, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 25 लोग है ना, मिलके सॉल्व कर लेना। ये तो चीटिंग है। देखो इंस्पेक्टर साहब ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। मैं परीक्षा ले रहा था, मना नहीं कर सकते थे, फट से ले लिया है रजिस्टर। देखो हाँ तो जरा अच्छा जी बैठ। अब मुझे आप लोग साफ साफ बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए मैं बताता है हुआ यू कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
काम करो, आप लोग पता करो जेठालाल और मेहता होश में आए कि नहीं। हम लोग यहाँ बुलाओ, तब तक मैं हीरालाल को फोन करके बुला रहा हूँ, देखो पहुंचा नहीं होगा मुंबई की ट्रैफिक का। बड़े मास्टर का फोन है। हाँ बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, अभी जेठालाल और मेहता सबकी तबीयत कैसी है, उनको होश आया? नहीं नहीं, होश तो अभी नहीं आया है बड़े मास्टर, लेकिन शायद अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है। डॉक्टर हाथी का कहना है कि उनको अभी तो होश नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, साड़ी मिल गई, साड़ी मिल गई। चोर पकड़ो गया, चोर पकड़ो गया। चोर तो नहीं पकड़ो गयो, लेकिन तू पकड़ो गयो भाया। क्या बोल रहे हो? ज्यादा भोले मत बनो। पब्लिसिटी के लिए तुमने साड़ी चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में मैं तुम्हें 4 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? हीरो साचो बाकी सब झूठो। मैंने कोई झूठी कंप्लेन ना लिखवाई। किसने कहा आपसे? इन लोगों ने। कौन है ये? अरे हीरालाल भाई, क्या कौन है ये लोग, भूल गए आप? हम लोग जेठल के साथ आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए, गोकुल नाम का मैं एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, और मैं पत्रकार पोपटलाल, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था। हाँ हाँ याद आ गयो, ये जेठालाल के दोस्त है, उस दिन एग्जीबिशन में आए थे। आपके दोस्त जेठालाल का कहना है कि आपने उसे 10 करोड़ की साड़ी दी थी। के? जेठालाल झूठ बोल रही हो है? मतलब जेठालाल का फोन आया था मन्ने, जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी। देखा देखा, लेकिन 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 मैंने दी नहीं थी। हीरालाल, क्या आप जो भी कह रहे हो होश आवाज में कह रहे हो? क्या आपने अपने दोस्त जेठालाल को सच में साड़ी नहीं दी थी? हीरो साचो बाकी सब झूठो। मैं क्या बावड़ा हो गया हूँ? वो 10 करोड़ की साड़ी मैं अपनी बीवी को ना दूं तो जेठालाल को क्यों दूं? अच्छा, तूने मेरे जेठिया को साड़ी नहीं दी? नहीं। तुमने अपने हाथों से जेठिया को साड़ी नहीं दी थी? नहीं। तो मेरा जेठिया साड़ी कहाँ से लाया? तुम कहना कैसे हो? मेरे जेठिया ने साड़ी चोरी की? हाँ। अरे अरे क्या, ये झूठ बोल रहे? इतने बड़े आदमी हो क्या झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ को नहीं बोल रही हूँ। अगर साड़ी जेठालाल के पास है तो आप जेठालाल को पकड़ो, जेठालाल ने चोरी की है। जेठालाल भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या किए? हाँ झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाचा जी, चाचा जी, चोर है। ये सब बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना? सॉरी हीरालाल भाई, आप हीरालाल भाई, आप जेठालाल पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? जेठालाल ने हमें साफ साफ कहा था कि आपने ही उसे साड़ी दी थी। देखो पांडे बेटा, ये झूठ बोल रहा है। मेरा जेठा कभी झूठ नहीं बोलता और चोरी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। देखिए हीरालाल भाई, आप पुलिस को बता दीजिए कि आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए यह झूठा कंप्लेंट लिखाया है। मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए ना किया है। मेरी 10 करोड़ की साड़ी चोरी हुई है, जेठालाल ने चोरी की है। हीरो साचो बाकी सब झूठो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया तो जेठालाल ने साड़ी चोरी की। बोलो कहाँ है मेरी साड़ी, कहाँ है मेरी 10 करोड़ की साड़ी, बोलो बोलो। अरे अरे, आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है हीरालाल जी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो साड़ी जेठालाल के पास से भी चोरी हो चुकी है। के? Yes. जेठालाल ने मारे से साड़ी चोरी की और किसी ने जेठालाल से चोरी कर दी। हाँ। मैं लुट गया, मैं दूसरी बार लुट गया। मगरमच्छ के आंसू, ये झूठ बोल रहा है पांडे बेटा। एक मिनट चाचा जी, आप मुझे बार बार बेटा कह के इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। अरे
ये कानून तय करेगा कि मैं किसका बेटा हूँ। मतलब कानून तय करेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सर 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 मॉनिटर रूम में ही आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे गैर हाजिरी में आप लोगों ने केस सॉल्व करने की कोशिश की तो वीडियो मेरे पास है, सबको अंदर कर दूंगा। सर ज्वेलरी एग्जीबिशन का सारा फुटेज चेक कर लिया। सर मुझे दो लोगों पर शक है। कौन है दो लोग? ये सर वो दो लोग चुपके से एग्जीबिशन में साड़ी की फोटो खींच रहे। तो जेठालाल और मेहता? जी हाँ सर। सर और भी है सर, ये देखिए एग्जीबिशन के पहले दिन ये आदमी एग्जीबिशन में छोटा चाकू लेकर भी आया था। कौन? सोच भी नहीं सकते कि जेठालाल और मेहता ऐसा क्यों ना काम करेंगे। कदम सर, मैं आगे की इंक्वायरी के लिए जेठालाल और मेहता को यहां बुलाना पड़ेगा। यस सर। कॉल देम। यस सर। थैंक यू। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी पंडित जी क्या हुआ? क्या देखा आपने मॉनिटर रूम में? हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। अच्छा क्या 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 केस सुराग मिला है? केस सुराग मिला है? अब जैसे जेठालाल और मेहता पुलिस स्टेशन में आएंगे सच का पता चल जाएगा। जेठा जी तारक ठीक लग रहा है? हम लोग यहाँ कैसे? हम लोग तो साड़ी लौटाने जा रहे थे ना। आप लोग साड़ी की वजह से यहाँ पे हो? साड़ी कहाँ है? साड़ी चोर लेकर भाग गए। चलो अच्छा हुआ। वो मतलब अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें सिर्फ बेहोश किया। हाँ, कोई चोट वोट नहीं पहुंचाई। हाथी भाई प्लीज जरा इनको फोन करके बोल दीजिए ना कि इन दोनों को होश आ गया है। नहीं नहीं माधी भाभी, भीड़े को क्यों परेशान कर रही है? नहीं नहीं ऐसा कहा है जेठा भाई, इनका पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो सब लोग वहाँ चिंता कर रहे हैं ना इसीलिए। पुलिस स्टेशन? सब पुलिस स्टेशन? हाँ वो साड़ी की रिपोर्ट लिखवाने अय्यर भाई, पोपट भौजी, चंपक चाचा जी और ये गए हैं साथ में। क्या क्यों? अरे क्या क्यों क्यों क्या चप्पू के पापा, 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई है तो पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी मैं देखती हूँ। देखो कोई पेशेंट होगा तो। अरे दया, वो साड़ी 10 करोड़ की नहीं सिर्फ 20,000 की थी। गई तो गई, इसमें पुलिस को घसीटने की जरूरत नहीं थी। हंस? हाँ कोमल। पुलिस स्टेशन से पुलिस आई है। पुलिस? सत्यानाश, आ गई पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करने। मैं क्यों, हमने क्या किया है? जेठालाल 10 करोड़ की असली साड़ी चोरी हुई है और चाचा जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई होगी तो बताया होगा ना कि साड़ी हमारे पास है, तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि हम चोर हैं। बोला था जेठालाल अगर मेरी बात मान ली होती तो ये नौबत नहीं आती आज। कौन सी बात? वही सोचो कौन सी बात, खुद सोचो। पेट्रोल आग? हाँ बोला था कि नहीं? क्यों? वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए।
क्या हुआ? हमको क्यों बुलाया है? हाँ, हमने क्या किया है? पुलिस स्टेशन में सब पता चल जाएगा, चलिए। ठीक है दया, हम लोग जाके आते हैं। पापा, हम लोग भी साथ में आते हैं। नहीं नहीं, सबको आने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। वो क्या है कि शायद वो बापूजी वो लोग ने वो रिपोर्ट लिखाई होगी ना, वो साड़ी की चोरी की, तो उसमें हमारी साइन की जरूरत होगी, इसलिए हम लोग साइन करके अभी वापस आ रहे हैं। अभी आ गए। चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। हमारे वजह से बेचारे जेठा जी और मेहता साहब को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम सब भी पुलिस स्टेशन जाए? दया भाभी, जाने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो फॉर्मेलिटी फिनिश करके साइन करके आ जाएंगे। हाँ, पर पता नहीं मुझे बहुत बेचैनी, मुझे फिकर हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ। अरे अरे दया भाभी, ऐसी बात है तो हम सब चलते हैं ना। हाँ, हम सब चलेंगे। हाँ चलिए। हाँ हाँ, आप लोग जाइए, मैं और हंस यहाँ रुकते हैं, बच्चे भी अभी आते होंगे। मेहता और जेठालाल को लेकर आ गए। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये गुनहगार है, इससे पूछो मेरी साड़ी कहाँ है? कहाँ मेरी साड़ी? क्या गुनहगार? क्या है? क्या गुनहगार? क्या? अरे जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई गुनहगार नहीं होता, सिर्फ शकमंद होता है। इस मन बुद्धि को समझाओ पांडे बेटा। बापू जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। चाचा जी, चाचा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बापू जी। जेठालाल, सच सच बता दो, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेगा ठंडे। चालू जी, पांडे जी, आप तो मुझे सालों से जानते हैं, आपको तो पता है मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जीबिशन हॉल में साड़ी की फोटो क्यों खींच रहे थे? मैंने सीसीटीवी फुटेज खुद देखा है, हम दोनों 10 करोड़ की साड़ी की फोटो खींच रहे थे, और जहां फोटो खींचना अलाउड नहीं है वहां तुम दोनों फोटो क्यों खींच रहे थे? क्या बात करे पांडे जी, जेठालाल ये बात तो हमको पता ही नहीं है। जेठालाल, मुझे तो हीरालाल की बात एकदम सच लग रही है। इन्होंने तुम्हें 10 करोड़ की साड़ी देने से इनकार कर दिया तो तुमने साड़ी चुरा ली। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर यही कहते हैं जेठालाल, मार्केट में से कोई भी एक चोर ढूंढ के निकालो वो कबूल करे कि हाँ मैंने चोरी की है। साहब, मैं कबूल करता हूँ मैंने चोरी की है। मुझे जाने दो ना साहब। ए चुप रह, इतने पूछा क्या? पांडे जी चलो मान लेते हैं कि जेठालाल ने वहां पे फोटो खींची थी, लेकिन हकीकत तो यही ना कि हीरालाल ने खुद जेठालाल को साड़ी दी थी, वो चोरी क्यों करेगा? हाँ, बराबर है। बराबर है। नहीं नहीं भिड़े, वो हीरालाल भाई ने मुझे साड़ी नहीं दी थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना मैं क्या बावड़ा हूँ जो इतनी महंगी साड़ी इनकी बीवी को पहनने को दूं, जब इतनी महंगी साड़ी मैं खुद की बीवी को पहनने ना दूं। क्या? अरे तू क्या कह रहा है? चाचा जी, जेठालाल कह रहा है कि हीरालाल भाई ने उसे साड़ी नहीं दी थी। अरे वो तो मैंने भी सुना है। अरे जेठालाल, अगर हीरालाल भाई ने तुम्हें साड़ी नहीं दी थी तो इसका मतलब तो एक ही होता कि तुमने साड़ी चुराई। भगवान की कृपा है कि मेरी साड़ी का चोर पकड़ा गया। देखिए देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हीरालाल भाई ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जेठालाल ने साड़ी नहीं चुराई है, ये बात भी 100% सही है। हाँ। अरे आए बोलते थे। अच्छा तो तुम लोग तय करके आए हो कि आज मेरे दिमाग की दही करोगे। अगर हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी है तो जेठालाल के पास साड़ी कैसे आई? क्या साड़ी को पर लगे थे या साड़ी उड़कर आई? बोलो जेठालाल। लगता है अब सब सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बोल जेठा। बापूजी मुझे माफ कर देना,
क्या तूने साड़ी चुराई है? नहीं नहीं बापूजी, मैंने कोई साड़ी की चोरी नहीं की है। अरे तो फिर माफी क्यों मांग रहा है? बताता हूँ। देखिए अभी जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग किसी को मत बताना, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दया को इसके बारे में पता चला तो उसका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। अरे कौन सी बात, क्या बोल रहे तू? बापूजी मैं 10 करोड़ की साड़ी नहीं लाया था। तो? दरअसल मैं जो साड़ी लाया था वो डुप्लीकेट साड़ी थी। मतलब वो 10 करोड़ की नहीं थी, सिर्फ 20,000 की थी। सबने जो साड़ी पहनी वो 20,000 की साड़ी थी। नकली साड़ी। जेठालाल झूठ बोल रही हो है। सजा से बचने के लिए रास्ता निकाल रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। कोई चालाकी नहीं चलेगी जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा टंडे। नहीं, नहीं 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 चालू जी, पांडे जी मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि ये हीरालाल भाई के एग्जीबिशन में हम सब लोग गए, दया गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल भीड़ वगैरह हम सब गए, और वहाँ सब लेडीज ने 10 करोड़ की साड़ी देखी तो उनका दिमाग घूम गया, उनको वो 10 करोड़ की साड़ी पहनने की इच्छा जागृत हुई। घर आए तो दया ने मुझसे कहा कि उसको 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं नहीं ला सकता, तो उसने बोला नहीं आप अपने दोस्त हीरालाल भाई से कहिए कि एक दिन के लिए वो साड़ी आपको दे। मैंने उसको समझाया कि भाई मैं नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन वो जीत पकड़ के बैठ गई कि नहीं आप अपने दोस्त से बात कीजिए। अभी मैंने हीरालाल भाई से पूछा कि आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। देखा देखा। हाँ अभी क्या है कि 2-3 दिन पहले मैं दया को वचन दे चुका था कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, वो इच्छा मैं कैसे पूरी करता? फिर मेहता साहब ने यह डुप्लीकेट साड़ी वाला आइडिया दिया, तो हम लोग ने डुप्लीकेट साड़ी बनवाई और वो मैं दया के पास लेकर आया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि असली साड़ी चोरी हो गई और ये सब बखेड़ा खड़ा हो गया। टप्पू के पापा, यहाँ तूने सारी बातें सुन ली? हाँ। आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे बहुत चिंता होने लगी। आप और मेहता साहब जल्दी से छूट जाए उसके लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना की और फटाफट यहाँ पर आ गए। और जेठा भाई तारक, आपने हमारे लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवाई? बोलिए ना। हाँ अंजलि सॉरी। हाँ? आप लोगों ने जो साड़ी पहना था वो 10 करोड़ का नहीं 20,000 का था। मुझे माफ कर दे दया, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं जेठा जी आप सॉरी मत कहिए। पापा, आप सॉरी मत कहिए। नहीं नहीं दया, सॉरी तो कहना ही पड़ेगा, मैंने तेरा विश्वासघात किया है, तुझसे झूठ बोला है, लेकिन दया मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए किया। मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। सॉरी दया, मुझे पता है मैंने तेरा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे दया,
प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मुझे 100 गुना खुशी इस बात की है कि आपने मेरा दिल रखने के लिए कितना कुछ किया, और मुझे 1000 गुना खुशी इस बात की है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मुझे 1000000 गुना उस बात की खुशी है कि आप मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं टप्पू के पापा। ये साड़ी नकली है, इस बात का जितना दुख हुआ ना उससे भी कई ज्यादा दुख मुझे आपको यहाँ पुलिस स्टेशन में देखकर हो रहा है। दरअसल मेरी गलती है। नहीं नहीं, सिर्फ दया भाभी की गलती नहीं है, ये सब हमारी भी गलती है। हमें ऐसी डिमांड ही नहीं करनी चाहिए थी जेठा भाई, सॉरी। हम ही साड़ी के लिए लालची हो गए थे। टप्पू के पापा, हमारी इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी उसे पूरा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे लिए वो 10 करोड़ की साड़ी से भी ज्यादा ज्यादा कीमती आप है टप्पू के पापा। थैंक यू दया, तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया दया, थैंक यू। जिठिया, जिठिया तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, लेकिन दिल का सच्चा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मेरी शादी होगी तो मैं भी अपनी बीवी से ऐसे ही प्यार करूंगा। कौन सका है तो कौन सका है? क्या? नहीं नहीं, अगर आप लोगों की पारिवारिक बातें हो गई हो तो हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो बाकी सब झूठो, जेठालाल झूठ बोल रहे हो है, ड्रामा कर रही हो है। 10 करोड़ की साड़ी इसी ने चुराई है। नहीं नहीं हीरा भाई। अरे हीरा लाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जेठालाल ने अभी जो कहा उस बात का एक एक अक्षर सही है। इसका गवाह मैं हूँ, मैं हर कदम पे जेठालाल के साथ था। हाँ तो आप भी चोर हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सबूत चाहिए तो आप जीतू भाई लखानी को फोन कीजिए और पूछ लीजिए। हाँ। जीतू भाई कौन है? जीतू भाई बोरीवली के एक बहुत प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर है, और हम उन्हीं के पास गए थे कि नकली साड़ी बनवाइए। आप उनसे फोन पे बात कीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीतू भाई को फोन लगाओ। अभी पता चल जाएगा सर, हमने बनवाई है ना नकली साड़ी। मैं बात करूंगा। हेलो, हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं, जीतू भाई से बात हो सकती है? इंस्पेक्टर का फोन है। जीतू भाई क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। जीतू भाई की आवाज बैठी हुई है, वो बात नहीं कर सकते। ये जीतू भाई की आवाज तो बैठी हुई है। अरे हाँ, वो कल से बैठी हुई है। ये कौन है? मुकेश भाई। ये मुकेश भाई कौन है? वो जीतू भाई के सहायक है, आप उनसे पूछिए, उनको भी सब पता है। हाँ, सब पता है उनको। तो जीतू भाई के मुकेश भाई, ये बताइए क्या जेठालाल ने तुमसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं, जेठालाल ने अपने यहाँ से डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है क्या? जीतू भाई के मुकेश भाई, चुप क्यों, सच बताइए। हेलो। नहीं नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ है। ओके, जरा इस बात को रिपीट करेंगे आप? मुकेश भाई, क्या जेठालाल ने आपसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बड़े व्यापारी हैं, हम ऐसा कोई डुप्लीकेट काम नहीं करते। हमने कोई डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनाई। हेलो हेलो, कौन काट दिया? इंस्पेक्टर साहब देखा, चोर है दोनों। जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। जीतू भाई के मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि तुमने उनसे
डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनवाई थी। कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हुआ हमने बनवाई है? मेहता साहब हम तो गए थे ना, मैं और मेहता साहब गए थे उधर डुप्लीकेट साड़ी बनवाने। लेकिन तो मुकेश मले क्यों कर रहे हैं बापूजी? मुझे लगता है हमने उनको मना किया था ना कि आप किसी को मत बताना कि हमने आपसे ये डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है, इसलिए शायद वो मना कर रहे हैं। जैसलाल शायद ही पक्का इसीलिए मना कर रहे हैं वो। अरे तो उसे फिर से फोन कर और परिस्थिति समझा भाई। चलो जी पांडे जी, मुझे फोन दीजिए, एक बार मुझे बात करने दीजिए मुकेश भाई से। करने दीजिए। नो नो नो। मैं बात करता हूँ। सर एक बार, एक बार पांडे जी प्लीज। स्पीकर स्पीकर पे आके बात करूँगा ना। खाली रीडर दबाना आपको। ओके, खाली एक चांस दिया जाएगा। बस थैंक यू। हाँ एक बार, थैंक यू सर। स्पीकर पे रखता हूँ। मुकेश भाई मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। देखिए जो असली साड़ी है ना 10 करोड़ की, उसकी चोरी हो गई है और यहाँ पुलिस को ऐसा लग रहा है कि मैंने चोरी की है। प्लीज आप इनको बताइए कि हमने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है, प्लीज बताइए इनको। हेलो जीतू भाई, मैं इंस्पेक्टर चारू पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेठालाल ने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? बोल दू क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वॉल्यूम तो फुल है। हेलो मुकेश भाई, हम गीता की कसम खा के कहते हैं कि जेठालाल के लिए हमने डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है। मतलब जेठालाल की बात सही है, जीतू भाई की मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जेठालाल के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनाई। सर ये लोग चोरी का माल बेचते हुए पकड़े गए। ये तो वही गुंडे जो जेठालाल और मेहता साहब को बेहोश करके साड़ी लूट के भाग गए थे। जेठालाल देखो यही वो लोग हैं इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने एड्रेस पूछने के बहाने हमें बेहोश किया और उसके बाद ये बैग, हाँ यही बैग चुरा के भाग गए। अरे बेवकूफो तुम्हें पता ही नहीं है कि इस बैग में 10 करोड़ की साड़ी नहीं 20,000 की नकली साड़ी है। बोला क्या उन्हें? क्या बोला इसको? हाँ? लगा चलो। क्या बताएं साहब? 10 करोड़ की साड़ी के भरोसे इसने गांव में जमीन का सौदा किया था। 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। अब पता चला कि साड़ी 20,000 की है। साहब आदमी को चक्कर नहीं आएगा तो क्या होगा साहब? अब चलो इसको होश में लाओ। बोला 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 क्या हुआ तुझे? खड़ा सीधा खड़ा रहा। मैं कहाँ हूँ? पुलिस स्टेशन पे हो? अरे यार अभी 20,000 की साड़ी के लिए जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, हमेशा याद रखना चोरी 10 करोड़ की हो या 10 रुपए की, चोरी चोरी ही कहलाती है। पंडित साहब ये चोर भाइयों को ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी चोरी ना करे। और सिर्फ साड़ी नहीं चुराई, हम लोगों को बेहोश भी किया, कुछ हो जाता तो। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि जेठालाल के पास 10 करोड़ की साड़ी है? वो क्या हुआ साहब कि ये दोनों हमारे टैक्सी में जा रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे ना तो हमने सुन लिया। अगर किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो खामखा बबल हो जाएगा।
कृपया करके आप लोग अपनी पर्सनल एक्सपेंसिव बातें पब्लिक प्लेस पर ना करें, इससे पुलिस को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ओके बराबर। पटेल सबको लॉकअप में डालो। चला चलो चलो। पांडे, ये केस आपने ही सॉल्व किया। एक मिनट, केस सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ नकली साड़ी मिली है, वो जो असली साड़ी है 10 करोड़ की मेरी, वो कहाँ है? उसका चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। सच बोलूं, मुझे अभी भी जेठालाल पर शक है। तुझे अभी भी जेठालाल पर शक है? अरे तू दोस्त है क्या दुश्मन? अरे यहाँ सब कुछ साफ हो गया, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे तुम पर इल्जाम लगाना बनता है। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। जेठालाल मेरी एग्जीबिशन में आयो, उसने मुझसे साड़ी मांगी और मैंने नहीं दी। चोरी के वक्त सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ जेठालाल कर सके, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन में सारे सीसीटीवी कैमरा जेठालाल ने ही लगवाए। और जहां तक वो नकली साड़ी का सवाल है ना, वो इसलिए उसने बनवाई ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। नहीं ऐसा नहीं है। अरे हीरालाल भाई आप मानिए ना प्लीज। मन ने तो मारी, 10 करोड़ की साड़ी चाहिए। 10 करोड़ की साड़ी है, मन ने तो चाहिए। बात तो हीरालाल की सही है जेठालाल, तुम अब भी शक के दायरे में हो। अरे क्योंकि तुम्हें साड़ी पाने की इच्छा थी और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ भी हैं, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ केस तो बनता ही है। अब ये केस कोर्ट में जाएगा और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा। चिटल पांडे बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो जी पांडे जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जीतू भाई ने भी बोला ना, नकली साड़ी बनवाई है। जेठालाल कानून सबूत पर भरोसा करता है, बातों पर नहीं। आप लोग साबित कीजिए कि जेठालाल बेकसूर है। जब तक साड़ी नहीं मिल जाती जेठालाल को लॉकअप में रहना पड़ेगा। कदम सर, जेठालाल को लॉकअप में डालो। यस सर। और मेहता को भी। मुझे क्यों? कदम कदम पर जेठालाल के साथ थे ना तुम, अब कदम बढ़ाकर लॉकअप तक पहुंच जाओ। कदम सर। अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं सर। पांडे जी मेरे बोला था मत लेके जाओ पेट्रोल को आग के पास, होगा धमाका, भुक तो। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप ये वाक्य है ना मेरे हाथ पे लिख दीजिए, ताकि क्या आपको बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब। अरे कितनी बार बोलोगे एक ही बात? आप अभी हो गई गलती, क्या करे? अब तो जब बोलता हूँ तब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आपने वो आग पेट्रोल वाली बात जब भी बोली थी तभी सुना था मैंने। जेठालाल अरे मानते क्यों नहीं हो? हर बार मानता ही हूँ ना मेहता साहब, अभी एक बार हो गई गलती। अभी हो गई एक बार गलती और तुम्हारी गलती की वजह से एक इज्जतदार लेखक सलाखों के पीछे खड़ा है। तारक मेहता, लोग कहेंगे इतना बड़ा लेखक पुलिस के हाथों पकड़ गया, किस लिए? साड़ी की चोरी में? नहीं नहीं वो साड़ी नहीं, साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है मेहता साहब। जेठाल तुम चुप रहो, अब तुम बोलो ही मत। कमाल के आदमी हो, चोरी खुद करते हो और इल्जाम हम पे डालते हो। भाई इनको तो गुरु बनाना चाहिए। भाई आगे कोई चोरी का प्लान हो तो हमें जरूर बताना।
लो। चेले भी बन गए लो। अरे भाई हम लोग चोर नहीं है भाई, हमने चोरी नहीं की है। देख देख, हमने जब चोरी शुरू की थी हम भी ऐसे बोलते थे ना। अभी हम कैसे असली साड़ी को ढूंढेंगे और कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे। इन लोगों की रक्षा करना, इन्होंने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए किया है। ए, किसका फोन बजा? किसका किसका फोन बजा? मेरा मेरा है चालू जी। पांडे जी मेरा है, मेरा मेरा बज रहा है। अरे जेठालाल फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। ए, दुकान से दो मिनट बात करके आपको दे देता हूँ। दो मिनट का? एक मिनट का? अच्छा सुनिए तो चलो आप पांडे जी, अगर मैं नहीं तो दया तो बात कर सकती है ना। दया नटू काका का फोन है, उनको जरा बोल देना कि आज मैं दुकान नहीं आ पाऊंगा। कह दो आज नहीं, पांच साल तक वापस नहीं आएंगे। पांच साल? क्या नहीं कमाल है नटू काका, सेठ जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाह साबित हुआ तो 5 साल तक के लिए अंदर जाएंगे। अच्छा नहीं होगा साहब, अगर गुनाह नहीं किया तो क्यों मैं बेकार में इसको डालूंगा अंदर। किसका फोन बजा? वही वही खामोश बोलो तुम्हारा। हेलो हेलो सेठानी जी, सेठ जी अभी तक घर पर ही है, दुकान आने के लिए नहीं निकले। नटू काका बागा भाई, आज टप्पू के पापा दुकान नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या हुआ सेठ जी को? टप्पू के पापा जेल में है। जेल में? जेल में किससे मिलने गए हैं? नहीं वो किसी को मिलने नहीं गए, उल्टा हम उनको मिलने के लिए जेल में आए हैं। 10 करोड़ की साड़ी चुराने के जुर्म में पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। क्या? 10 करोड़ की साड़ी चुराने के जुर्म में? हाँ, और सिर्फ टप्पू के पापा को ही नहीं, मेहता साहब को भी पुलिस ने अंदर ले लिया। मेहता साहब भी? अरे कमाल है सेठानी जी, लेकिन ऐसे कैसे पकड़ लिया? मैं बताती हूँ। वही सेठानी जी, हमने इतने बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगाए थे फिर भी चोरी के वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? नटू काका वो चोरी करने वाला कोई अंदर का ही था, उसने चालाकी से सारे वायर काट दिए, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं आया। ओ माय गॉड। सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नटू काका अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। ठीक है चलिए नटू काका जल्दी चलिए। चल चल। सेठ जी बेचारे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस ही जाते हैं। क्या करे भैया। अरे भाई जल्दी 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 पुलिस स्टेशन ले लो। गो फास्ट वेरी अर्जेंट, जल्दी करो जल्दी। फास्ट फास्ट भगाओ भगाओ जल्दी भगाओ। जेठालाल जेठालाल हीरो साचो बाकी सब झूठो। देखो अभी भी वक्त है, बता दो 10 करोड़ की साड़ी कहाँ है? तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं हमारी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। अरे भाई मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह का व्यापारी हूँ, पर भगवान की दया से अच्छा खासा धंधा चल रहा है, मैं चोरी क्यों करूंगा? लालच, लालच इंसान से कोई भी काम करवा सके है। हीरालाल भाई मेरे बापूजी ने मुझे बचपन में सिखा दिया था कि बेटा लालच बुरी बला है, जिंदगी में कभी लालच मत करना, नहीं बापूजी? जेठालाल हीरालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, पालते घड़ावर्ती पानी है। चाचा जी अभी हमें कोई अच्छा वकील ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ भैया। सेठ जी हम आ गए। ये लोग जा नहीं रहे और बाकी लोग आ रहे हैं, आओ आओ। सेठ जी सेठ जी हम आ गए। अरे नटू काका बागा आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी जैसे सर सलामत तो पगड़ियां 1000, वैसे ही अगर सेठ जी सलामत तो दुकान 1000। हम आपको छुड़ाने आए हैं।
अरे नट्टू काका बागा, अगर आप लोग जेठालाल को छुड़ाना आए तो मुझे कौन छुड़ाएगा भाई, मैं क्या यहीं रहूंगा? डोंट वरी मेहता साहब, यू विल बी ऑल्सो ए फ्री मैन. ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे सेठ जी की दुकान नहीं. जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहोगे. लेकिन हमें तो बैठना ही नहीं है. अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन मेरे अंडर कंट्रोल है. मैं जब तक जिसको इजाजत नहीं दूंगा वो लॉकअप से छूट नहीं सकता. नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम एक ऐसी चीज लाए हैं जिसे देखकर आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा. अच्छा क्या लाए? नहीं नहीं लड्डू काका नहीं. अरे देखिए आप चालू जी पांडे जी की शक्ल पे मत जाइए, वो सिर्फ दिखते ऐसे हैं कि रिश्वत लेते होंगे. बाकी ये नियायती ईमानदार इंस्पेक्टर है. जेठालाल तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? नहीं तारीफ तारीफ, सच में आपके जैसा ईमानदार इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा. थैंक यू. जेठालाल मुझे भी मेरे बाबूजी ने बचपन में सिखा दिया था कि लालच बुरी बला है. मैंने कहा ठीक है बाबूजी. वाह हमारे बापूजी कितने मिलते जुलते हैं. बाबूजी नहीं बाबूजी के विचार. और तुम क्या लाए? सीसीटीवी फुटेज. कहाँ का? वो हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जिबिशन का सीसीटीवी फुटेज. अच्छा मतलब? पांडे जी आपको तो पता ही है कि हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जिबिशन में सीसीटीवी कैमरे मैंने फिट किए थे. तो जब मैं सीसीटीवी कैमरे फिट कर रहा था तब हीरालाल जी ने मुझे टाइट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कहा था, इसलिए मैंने एग्जिबिशन में एक हिडन यानी एक छुपा हुआ कैमरा भी इंस्टॉल किया था. और ये कैमरा बागा ने इस तरह लगाया था कि इसके बारे में हीरालाल जी और उनके सिक्योरिटी गार्ड को पता ही ना चले. हाँ पांडे जी, और इसका फुटेज जीपीएस और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए हमारे दुकान के गोडाउन में रिकॉर्ड हो रहा था. क्या है पांडे जी, कस्टमर भगवान होते हैं. और सेठ जी ने मुझे हीरालाल जी की सिक्योरिटी के लिए खास कहा था. इसलिए मैंने ऐसा आइडिया लगाया. इसे तो पुलिस में होना चाहिए था. बागा बागा दोबारा बोल तो क्या बोला, तो फिर से बोल जरा. सेठ जी जो फुटेज एग्जिबिशन में 8:30 के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा. क्या बात! अरे नट्टू काका बागा धन्य हो तुम लोग. नट्टू काका बागा भाई इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग और वो भी सही समय पर. देखा हीरालाल जी, आप जिस जेठा जी पर इल्जाम लगा रहे उन्होंने आपके सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ सोचा है. नट्टू काका बागेश्वर तुमने तो कमाल का काम कर दिया. अब मालूम पड़ जाएगा कि 10 करोड़ की साड़ी का चोर कौन है. पते जी आपका लाख लाख शुक्र है बाप. अरे नटू बागा तुम दोनों तो तारणहार बनकर आए हो. थैंक यू बापूजी थैंक यू. पांडे जी अभी जल्दी से ये फुटेज चेक कीजिए और पता कीजिए कि असली गुनहगार कौन है. जल्दी जल्दी चालू करो चालू करो. हाँ पांडे जी जल्दी पता लगाइए गुनहगार के बारे में. मैं उसके बारे में हमारे अखबार में छापकर उसकी दुनिया हिला दूंगा. हाँ और हम साबित कर देंगे कि तारक और जेठा भाई चोर नहीं है. आइए जरा चलो जे पंडित जी खोलिए ना दरवाजा, हम भी ये बाहर आते हैं देखते हैं. जब तक साड़ी का चोर पकड़ा नहीं जाता तुम दोनों लॉकअप में ही रहोगे. आप लोग यहीं खड़े रहिए. हीरालाल जी आप मेरे साथ आइए. पांडे जी मैं भी आपके साथ चलूं? जरूरत पड़ने पर हम तुमको बुला लेंगे. ठीक है आइए. सावंत
सर टच करो। ये सब जाने दो, फिर बाद सुबह की फुटेज दिखाओ। ये तो मारे सिक्योरिटी वाले, इन्होंने मारी 10 करोड़ की साड़ी चोरी की। रियाल जी, तो ही बात हो गई घर का भेदी लंका डाय। हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? आप किस सिक्योरिटी वाले के बात कर रहे हैं? ये तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त आपके सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होंगे? एग्जीबिशन हॉल में। कदम सर। ओके, आइए। दस करोड़ की साड़ी किसने चुराई है इसका पता चल गया है। किसने चुराई है? जेठालाल मेहता। चिरके, जेठालाल मेहता को छोड़ दो। चोर नहीं है तुम्हारी तरह, समझे? चलो खोलो ये भाई, खोलो जल्दी दरवाजा। नटू का गाड़ी बागेश्वर यांचा। नट्टू काका भागा। आप लोगों ने आज मुझे बचा लिया। मांगिए मांगिए, आज आपको जो चाहिए मैं दूंगा। अरे सेठ जी, जब आप सही सलामत हैं तो हम खुश हैं। आप है तो दुकान है, दुकान है तो पगार है, और पगार है तो हम है। ये क्या बात है? लेकिन पांडे बेटा, असली गुनेगार कौन है वो तो बताओ। हाँ हाँ बताइए, साड़ी चोरी किसने की जिसकी वजह से ये सारा रामायण हुआ? 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले कोई और नहीं बल्कि हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड। क्या? ओहो, ये कुंपणक छेद खाता है, मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए ना। करेक्ट। मेरे रिपोर्टर दिमाग को पहले से ही शक था कि हो ना हो सिक्योरिटी वाले ही साड़ी की चोरी में शामिल है, वरना इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद साड़ी चोरी कैसे हो सकती है? करेक्ट। हीरालाल भाई, अब तो आपने देख लिया ना, टप्पू के पापा निर्दोष है। हाँ। आपके सिक्योरिटी वालों ने ही साड़ी चुराई है। हीरालाल, मुझे माफ कर दो, मारे से गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है हीरालाल भाई, गलती मेरी कुंडली की है। अरे जेठा भाई, आपकी कुंडली की कोई गलती नहीं है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप पे और तारक पे चोरी का इल्जाम लगते लगते बच गया। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है असली चोर कोई और है। हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ प्यादे हैं, दिमाग किसी और का है। उनका बॉस कोई और है। पांडे जी, हमें जल्दी से जल्दी वो सिक्योरिटी वालों को पकड़ना चाहिए। हमें तो मतलब आपको, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग देश छोड़ के निकल जाएं। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, पुलिस पकड़े इससे पहले गुनेगार देश छोड़कर भाग जाते, फिर आते ही नहीं। हाँ, माल लिया निकल लिए। अब आप लोग मुझे सिखाओगे कि गुनेगार को कब पकड़ना है। नहीं नहीं, हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे है, हमारे पंजे से कोई भी गुनेगार नहीं बच पाता, ऑलरेडी अपने टीम को भेज चुके हैं। अरे वाह, अब तक तो हीरालाल के एग्जीबिशन हॉल तक पहुंच चुके होंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है पांडे जी, क्या बात है। वो रे, तुम्हें क्या लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दोगे तो बच जाओगे? कानून के हाथों से कोई नहीं बचता, चल छोड़ो सर। सर, 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 फैमिली से सर, हमने कुछ नहीं किया सर, 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 हमने कुछ नहीं किया सर। तो तुम लोग कबूल करते हो कि तुम लोगों ने 10 करोड़ की साड़ी चोरी की? साड़ी कहाँ है?
देखो ठीक से बता दो, वरना तुम लोग तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। साड़ी हमारे पास नहीं है, साड़ी हमने बॉस को दे दी। बॉस को? कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो। सर, इनके बॉस को बड़े इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आओ। जी सर। और इनकी भी खातिरदारी कर दो। और कुछ चाय पानी? नहीं नहीं। Have fun. सॉरी सर। बेटा 10 करोड़ की साड़ी मिली। सिक्योरिटी वालों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, उन नमक हरामों ने बताया उनका बॉस कौन है? हाँ, कौन है वो वातानुकूल जिसकी वजह से हम इतने परेशान हुए? वातानुकूल बेटा? बदमाश। अच्छा, मेरे ख्याल से तुम नामाकूल कहना चाहते हो। और जो भी है वही वही। पता चला कुछ? अरे कैसे नहीं पता चलेगा, इंस्पेक्टर चालू पांडे का डंडा जब चलता है ना तो अच्छे अच्छे का मुंह खुल जाता है। अरे तो जल्दी बताइए उसका नाम, कल मुझे अखबार में छापना है। जरूर छाप देना पोपटलाल, कुछ ही देर में और शातिर चोर तुम लोगों के सामने हो, इसे देखकर सबका दिमाग चकरा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो बाकी सब झूठो, वो चोर जो कोई भी हो ना उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने की सोच भी ना सके। सर, हमने 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले असली मुजरिम को पकड़ लिया, साथ में 10 करोड़ की साड़ी भी बरामद की है। मिल गई। ओहो, कौन है वो चोर? ले आओ ने। भाभी, कैसे हो सकता है? मिसेज हीरालाल, चलिए। थैंक यू। क्या आंख में कुछ गया? नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, यकीन कर, यही है। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो बाकी सब झूठो, ये के मजाक है? मारी रूबी चोर कैसे हो सके? सर, हमने रूबी जी के रूम से ये साड़ी बरामद की है। देख लीजिए असली है के नकली है। बैग रखो। देख लीजिए हीरा लाल, साड़ी असली है नकली? डॉक्टर साहब, यही है असली 10 करोड़ की साड़ी। असली साड़ी? खरो माल। मिल गई। 10 करोड़
भाई 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 ही सो रहे कोमल भाई। हीरालाल जी, मैंने कहा था ना, चोर कोई आपका करीबी है। चोर तो आपके घर से निकला, अब बताओ हीरालाल, चोर को क्या सजा दी जाए? रूबी, ये सब क्या है? तुमने हमारी एग्जीबिशन से हमारी साड़ी चुराई? हाँ, मैंने ही साड़ी चुराई। मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए और साड़ी चोरी करवाई। यार जमाना आ गया है, अपने ही घर में चोरी। कड़ियों कड़ियों। अरे क्यों रूबी बेटा, क्यों? अब रूबी भाभी, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ रूबी भाभी, ऐसे क्या मजबूरी थी जो आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? हाँ रूबी जी, बताइए, जो चीज आपके है आपने उसी की चोरी क्यों की? कड़ी उग, कड़ी उग। रूबी क्यों? क्यों? बताती हूँ क्यों। जब ये साड़ी बनवा कर घर लेकर आए और मुझे दिखाई तो मैंने इनसे कहा कि हीरू प्लीज प्लीज मुझे एक बार ये साड़ी पहनने दो। तब इन्होंने कहा हीरो साचो बाकी सब झूठो, ये साड़ी घर के लिए नहीं कस्टमर्स के लिए। दरअसल मुझे लेटेस्ट ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, तो जब भी मैंने इनसे कहा, इन्होंने हमेशा मुझे कहा पहले कस्टमर्स बाद में मैं। जब से मैंने ये 10 करोड़ की साड़ी देखी थी मेरे दिल में बस गई थी, इसलिए मैंने इस बार सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं ये साड़ी पहन के ही रहूंगी। और इसलिए मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और पूरा प्लान समझाया। सिर्फ एक बार ये साड़ी पहनने के लिए मैंने ये साड़ी चोरी करवाई। बोलो ए हीरालाल, तेरे पास इतना पैसा है तू अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता? हीरालाल भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन आपसे अच्छे तो मेरे टप्पू के पापा हैं। मेरी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। तो? आज आपको पता चल गया, हीरा झूठा और बाकी सब सच्चा। कमाल, एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता, और एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी नहीं है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवा ले। धन्य हो पति, धन्य हो जेठाला। लेकिन रूबी भाभी, बुरा मत लगाना, लेकिन आपको साड़ी की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सही कहा दया भाभी। हीरू, मुझे माफ कर दो, I'm sorry। नहीं रूबी, तू मन ने माफ कर दे, आज के बाद तारी हर इच्छा पूरी करूंगा, ऐसी गलती दोबारा ना होगी। हाँ जागे तरते शवा। इसे एक बात तो साबित होता है, अगर हम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, पांडे साहब, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए, पत्नी की इच्छा पूरी ना करो तब तो मुसीबत में फंसते ही हो, और इच्छा पूरी करने जाओ तो और ज्यादा मुसीबत में फंसते हो। हमसे पूछो। हाँ ये बात सच है। मैं तो अपनी पत्नी की सब इच्छा पूरी करूंगा, बस एक बार आज। क्या बोला? नहीं, जेठालाल दया भाभी की इच्छा पूरी करने गया, उसमें फंस गया, ये बोल रहा है। देखो। अच्छा तुमने क्या सुना? एक बार पत्नी आ जाए सारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं 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 ना, अरे जो भी हो अगली साड़ी मिल गया अच्छा हो। जेठालाल और इंस्पेक्टर साहब, मारी बीवी और मारी साड़ी की वजह से जो भी परेशानी हुई है ना, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, वो साड़ी चोरी की कंप्लेंट है ना, वो मैं वापस लेता हूँ। हीरालाल, तुम कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गुनाह तो हुआ है, इन्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा।
इंस्पेक्टर साहब, आप मारी रूबी को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि सारा बिजनेस मारी रूबी के नाम पे चलता है। तो ये 10 करोड़ की साड़ी की असली मालकिन मारी रूबी है। और अपनी साड़ी अपनी एग्जीबिशन से अपने घर ले जाना, इसे चोरी ना कह सके इंस्पेक्टर साहब। क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं इतना दिमाग लगाऊं केस सॉल्व करने के लिए, लेकिन केस अपने आप ही सॉल्व हो जाता है या आप खुद सॉल्व कर लेते हो। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों की तरफ से वेरी वेरी सॉरी और थैंक यू भी, थैंक यू। चलिए कुल मिला के 10 करोड़ के साड़ी का निवेड़ा आ गया। दया अभी घर जाते हैं, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ भाई, सुबह से क्या क्या सिस्टम कर रहे हैं, कभी गुंडे बेहोश कर रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। चलो भाई चलो जल्दी। रुको जेठालाल, ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने का भाभी जी का मन था ना, तो चाहिए तो कुछ देर के लिए ले जाओ। थैंक यू हीरालाल भाई। नहीं नहीं, पर थैंक यू बस। अब मुझे ये 10 करोड़ की साड़ी नहीं पहननी है, वो नकली 20,000 की साड़ी पहने ना, उसमें ही खुशी मिल गई है। अब ये 10 करोड़ की ही साड़ी पहनने का कोई मोल नहीं है। समझ में आ गया। सब मोह माया है। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई, हीरे असली हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 करोड़ की साड़ी का आनंद हमने 20,000 वाली साड़ी पहन के ही ले लिया। आनंद का आधार खाना कितना महंगा है उस पर नहीं, भूख कितनी है उस पर होता है। वाह, इधर आधी कड़ से भर डाले। और अब हमें ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की कोई इच्छा नहीं है। अरे चलो चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। आती बार कोमल भाभी को ये बात पता चलेगी तो हंस-हंस के पागल हो जाएंगे। चलो तो चलो हम भी चलते हैं। सर, बासुंदी भाभी को भी वो 10 करोड़ वाली साड़ी एक बार पहनने की इच्छा थी ना। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बीवी को ये साड़ी पहनने की इच्छा है तो आप ले जाइए कुछ देर के लिए। नहीं 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 भाई, जेठालाल का जो हमने हाल देखा है वो देखकर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि बासुंदी को ऐसी महंगी साड़ी मैं पहनाऊं। कोई साड़ी पहना कर मैं बासुंदी को समझा दूंगा, आप कृपा करके ये साड़ी ले जाइए। एक मिनट जेठालाल। अभी क्या है? ये तुम्हारी 20,000 की नकली साड़ी। अरे हीरालाल भाई, एक बार चेक करना हो तो कर लीजिए, ये नकली साड़ी है ना। छिटा लाल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मन ने। चलो सॉरी, आप लोगों को तकलीफ हुई। सॉरी सॉरी, आप लोगों को तकलीफ दिया। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग भी चले। चलो चलो, और ये आपकी 10 करोड़ की साड़ी, इसे भी ले जाइए। संभाल के ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑफिसर। अरे बासुंदी, हाँ वो 10 करोड़ की साड़ी वो तो हीरालाल जी लेकर चले गए। हाँ, पर हीरालाल जी ने वादा किया है कि अगले महीने मार्केट में वो 11 करोड़ की साड़ी लेकर आ रहे हैं और मैं तुम्हें वो 11 करोड़ की साड़ी पहनाऊंगा। 10 करोड़ की साड़ी क्या होती है? ठीक है, थैंक यू बासुंदी। 11 करोड़ कोमल, उन लोगों गए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग भी पुलिस स्टेशन चले क्या? हाँ हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है, चलो चलते हैं। अरे हाँ, आती भाई कोमल भाभी रोशन के माइक से स्पेशल बर्फी लेके आया। श्री गणेश आपसे कर रहे हैं आती भाई। चलो बाद में आके आराम से मिलेंगे, अभी सबको पहले मिठाई बांट के आ जाते हैं। छोटी, तुम्हें कोई सोसाइटी में नहीं मिलेगा, सब पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन क्यों क्यों गया? वो हुआ यूं कि
भी आए। ओ जेड़ा ब्रा, आती भाई बता रहे थे आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्यों भाई? भाई सोड़ी, बाल बाल बच गए, भगवान का शुक्र है बस। पर होया कि मेहता साहब होते दसो। मैं बताता हूँ, बड़ी लंबी कहानी है सोड़ी। बाबू जी लंबी कहानी है, बताने में टाइम जाएगा, तब तक क्या आप बैठ जाए ना, खड़े खड़े थक जाएंगे। जीठा भाई टाइम लगेगा तो मैं भी बैठ जाऊँ। अरे हाथी भाई आप ही का तो घर है, पूछ क्यों रहे, बैठ जाइए। मैं तो कहता हूँ सभी बैठ जाते हैं। हाँ तो छोटी हाथी भाई तुम, अरे बाप रे हम लोग बैठे हैं, सब लेडीज खड़े हैं। आप लोग बैठिए प्लीज, आप लोग बैठिए। रही है दया, अरे भाई सॉरी बाबू, नहीं 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 एक मिनट। और जेठा ब्रा आपकी कहानी सुनने के लिए बैठना जरूरी है? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कहानी लंबी है तो क्या बापूजी बुजुर्ग है ना, तो खड़े खड़े थक जाएंगे इसके लिए। अच्छा जेठालाल, चाचा जी भले ही बुजुर्ग हो लेकिन इस उम्र में भी चाचा जी की स्फूर्ति काबिले तारीफ है, होगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पता है सोड़ी, पुलिस स्टेशन में हम सबके साथ चाचा जी कितनी देर तक खड़े रहे, फिर भी कंप्लेंट नहीं की बिल्कुल भी। पहले हीरालाल आया, फिर जेठालाल मेहता साहब आए, फिर तीन चोर आए, उसके बाद कौन आया? हाँ नट्टू काका और बाघव आए। नहीं नहीं उनके पहले रूबी भाभी आई थी। अरे रूबी भाभी तो एकदम एंड में आए थे। नहीं मतलब नट्टू काका और बाघव आए, उसके पहले सब लेडीज आए थे ना। अरे हाँ 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 सोड़ी, मैंने जो बोला था वो तीन चोर आए थे, तीन चोर के पहले लेडीज लोग आए। ओए पुलिस स्टेशन में कौन कौन कब आया था ये तो हमको पता चल गया, पर किस लिए आए थे वो तो दसो। हाँ तेज तो सही बात है, थैंक यू सोडी। जेठा भाई आप बताइए विस्तार में हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल, तो हुआ यूं कि दरअसल जी। वो 10 करोड़ की साड़ी है ही ऐसी कि उसने रूबी भाभी के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। अच्छा सिर्फ उनके दिमाग पर कब्जा किया था, 10 करोड़ की साड़ी ने आप लोगों के दिमाग पर कब्जा नहीं किया था? तारक वो साड़ी है ही इतनी अट्रैक्टिव और अनोखी कि कोई भी औरत देख के पागल हो जाएगी। इतनी सुजी साड़ी होती? अरे हाँ क्या बताएं, रोशन भाभी पूरे बॉर्डर में इतनी सुंदर जड़े हुए थे, अरे वो माइंड ब्लोइंग वेरी ब्यूटीफुल यू नो। अरे बस करो नहीं बाबा, आई मिस्ड इट, पता नहीं मुझे ऐसी साड़ी देखने के लिए कब मिलेगी। अभी हाँ अमना, अरे इसी बैग में तो है वो साड़ी। रदेश हाँ गुड आई, लेकिन जेठा भाई आपने जो अभी अभी स्टोरी सुनाई थी उसके हिसाब से तो ये साड़ी डुप्लीकेट है। नहीं नहीं नहीं, अरे रोशन भाभी बात ये है कि हीरालाल भाई को असली साड़ी मिल गई ना तो वो खुश हो गए, और खुशी के मारे उन्होंने एक दिन के लिए 10 करोड़ की साड़ी पहनने के लिए दी है। ओ कुड़ाए जाओ जाओ। हां टप्पू के पापा जरा वो साड़ी लाइए तो जरा लक्की। हां रोशन जॉनी कितना डायमंड चमचम चमचम दे रहा है। ओए सोनिया बहुत सोचू है लेकिन तेरे से ज्यादा सोचू नहीं।
मतलब बेबी चाहे पापा कितनी सुनचे चोलो अरे रोशन भाभी ये नकली साड़ी है टप्पू के पापा भी जब ये साड़ी लेकर आए थे ना तो हमें 10 करोड़ की असली साड़ी ही लगी थी है ना है ना भीड़ में हाँ मुझे कहा है फसलो जमी डेविन ऊपर एक वक्त पेरी ने जॉय सको हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं टप्पू के पापा ये साड़ी पैक करके आप ही दे दे चाह लाओ ला सेठ जी बावरी जी का भी बहुत मन है ये साड़ी एक बार पहनने का तो रोशन भाभी के बाद मैं बावरी जी के लिए ये साड़ी ले जा सकता हूँ अरे हाँ जरूर भाई खुशी खुशी ले जाना थैंक यू सेठ जी और बावरी साड़ी पहन के अपने मन की इच्छा पूरी कर ले उसके बाद साड़ी को क्या है भिड़े के पास आके जमा करवा देना हैं भला का मेरी तरफ से सोसाइटी को गिफ्ट क्या है प्रसंगोपात कभी भी किसी लेडीज को ये साड़ी पहनने की इच्छा हुई तो तेरे पास आके साड़ी ले जाए फिर पहन के तेरे पास वापस आके जमा कर दे सिंपल डोमला तो सिंपल अच्छा है अरे काय अच्छा है पोपटलाल सोसाइटी के काम क्या कम होते जो ये नई जिम्मेदारी दे रहे हो मुझे अरे भाई ये साड़ी संभालना मतलब मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा किसने साड़ी ली थी कब पहनी थी इसमें सब ठीक है कि नहीं डायमंड गिरा तो नहीं ये ना वो नहीं 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 सोसाइटी के सेक्रेटरी से छगनला ड्रेस वाला बन जाऊंगा भाई बघितला बघितला नहीं भाई ये झंझट नको मला अरे जीतू भाई बोलिए बोलिए मालिक कैसे है जीतू भाई जेठा भाई जीतू भाई नहीं मैं मुकेश बोल रहा हूँ हाँ बोलिए बोलिए मुकेश भाई जेठा भाई ये 10 करोड़ की साड़ी इतनी फेमस हो गई है कि अभी अभी एक कस्टमर आया था उसको फर्स्ट कॉपी चाहिए पूरे 50,000 देने को तैयार है बोलो बेचनी है साड़ी अरे नेकी और पूछ पूछ हाँ हाँ दे दो दे दो लेकिन एक बात है मुकेश भाई ये साड़ी की डिलीवरी मैं परसों दूंगा चलेगा हाँ चलेगा चलेगा ओके तो सौदा पक्का करो ओके ठीक है ओके बगा ये बावरी साड़ी पहन लेना उसके बाद एक काम करना तो साड़ी जीतू भाई को दे के आना जी सेठ जी पप्पू जी अभी मुकेश भाई का फोन था ना वो बोल रहे हैं कि उनके पास ये साड़ी का एक गिरा गया वो ये साड़ी के 50,000 देने को तैयार है मेरे तो जयलाल तुमको तो इस साड़ी में 30,000 का प्रॉफिट हो गया लेकिन मैं वो 30,000 रखने वाला नहीं हूँ वो 30,000 मैं सोसाइटी में गिफ्ट दे दूंगा अरे वाह नहीं क्या अभी सब त्योहार आ रहे हैं ना गणपति नवरात्रा तो उसमें काम आएंगे तालियां तो बजाई और आभार भी प्रकट किया लेकिन अब साथ में मिलके भंगड़ा भी पाना पड़ेगा।